खबर पंजाब से है, जहां जिला पठानकोट में शिकायत निवारण कैंप लगाया गया। यह कैंप थाना डिवीजन नंबर 1 में लगाया गया। एसएसपी सुरेंद्र लांबा के दिशा निर्देश अनुसार डीएसपी सिटी की देखरेख में आरंभ हुआ। इसमें थाना डिवीजन नंबर 1, थाना डिवीजन नंबर 2, थाना मामून कैंट और थाना नंगलभूर के प्रभारी एसएचओ उपस्थित हुए और आई हुई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। यह कैंप जनहित के लिए लगाया गया। इस कैंप में लोगों की चिरलंबित पड़ी शिकायतों का निवारण डीएसपी सिटी राजेंद्र मनहास की देखरेख में कराया गया। पंजाब के पठानकोट से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखो एसएसपी साहब ने कहन मुताबक उन्होंने हुक्मों मुताबक जोड़े है ये दरखास्त डिस्पोज कर जो कैंप लगया गया हर सब डिवीजन लैवल से ये कैंप लग रहा। सो इसका मकसद ये है कि बहुत सारिया दरखास्त कई बार पेंडिंग रहा हूँ एक जगह जो कैंप लगेगा उत्थे डी एस पी सबान एस पी सबान मौके पर होंगे है तो एस एच ओ भी उत्थे ने तो जो बनती कार्रवाई है वो आप मौके पर ही जरा निपटाते हैं और कोशिश करते कि लोगों के राजीनामे करा के जो कराने वाला है वो राजीनामा करवाया जाए जिहड़ा च कोई लीगल एक्शन लैन वाला उत्थे लीगल एक्शन लिया के ताकि लोगों को जो भी इंसाफ है जल्दी तो जल्दी मिल सके। हाँ जी फिलहाल जदों का कैंप लगा हुण तो करीब 30 दरखास्त डिस्पोज ऑफ करती हैं। आप काफ़ी पार्टियां टाइम दिता हुआ तो जिन्हें भी आने उन्होंने आप मैक्सीम जरा अज डिस्पोज ऑफ करा और फ्यूचर से भी इस तरह जारी रहेगा ताकि पब्लिक मैक्सीम जल्दी तो जल्दी जरा रेमेडी मिल सके।